हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे केम सिंग्स ब्लॉग वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी प्याज के पकौड़े, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के होता है रेडी। आप इसे शाम के स्नैक्स के रूप में खा सकते हो, और ऐसे भी आप लंच के साथ दाल चावल के साथ इसे खा सकते हो। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के होता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो चलिए, आज की रेसिपी है प्याज के पकौड़े, तो हम बनाते हैं। इधर मैंने 3 बड़े साइज के ऑनियन को ले ली हूँ। इसे पतले पतले मैं कट कर लूंगी, यानी कि रफली चॉप्ड कर लूंगी इसे। तो देखिए, इधर मैंने तीनों ऑनियन को कट कर ली हूँ। अब मैं इधर कट करूंगी चिली। मैंने 6-7 चिली ले ली हूँ। और प्याज के पकौड़े में चिली आप जितना अधिक डालोगे उतना ही टेस्टी लगता है, तीखा तीखा। और इधर देखिए, मैंने हरी धनिया की पत्ती को ले ली हूँ। इसे भी बारीक मैं कट कर लूंगी। अब सभी को एक बर्तन में डाल रही हूँ। अब इधर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक को, थोड़ा मैं कूट कर इसमें ऐड करूंगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इधर ऐड कर रही हूँ मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब बेसन, एंड 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी, एंड 1 टेबल स्पून के करीब नमक। अब सभी को अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लूंगी। इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूंगी, ये नमक डालने पे खुद ही पानी छोड़ता है प्याज। तो इधर मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई, कढ़ाई में डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। और इधर देखिए, मैंने मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हूँ। अब एक एक करके सभी को कढ़ाई में ऐड करूंगी, और इसे अलट पलट करके मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करूंगी, जिससे कि हमारा पकौड़ा अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। जब तक ये क्रिस्पी नहीं होगा तब तक इसे मैं फ्राई करूंगी। इसे अलट पलट करते हुए इसे फ्राई करेंगे इसे ऐसे। तो देखिए, इधर हमारा पकौड़ा ब्राउन हो गया है, यानी कि हमारा पकौड़ा लगभग फ्राई हो चुका है। इसे 1 मिनट के लिए और इसे फ्राई करूंगी। आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारा पकौड़ा फ्राई हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी हमारा पकौड़ा दिख रहा है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे हरी चटनी या लाल वाली चटनी, यानी कि सॉस, या ग्रीन चटनी के साथ, हरी धनिया की चटनी के साथ खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक।